Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धमाल फिल्म की तीसरी सीरीज में कौन से स्टार को कितनी फीस दी जा रही है। टोटल धमाल में अजय देवगन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, रितेश देशमुख और अर्शद वारसी जैसे बेहतरीन कलाकार प्रमुख किरदार निभाने वाले हैं। हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता अनिल कपूर को धमाल सीरीज की तीसरी फिल्म टोटल धमाल में एक महत्वपूर्ण किरदार दिया गया है। उन्हें टोटल धमाल फिल्म में एक्टिंग करने के लिए करीब 6 करोड़ रुपए फीस मिली है। वहीं टोटल धमाल में बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित भी नजर आएंगी। माधुरी दीक्षित को टोटल धमाल फिल्म में काम करने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं बॉलीवुड के प्रतिभाशाली अभिनेता अर्शद वारसी को टोटल धमाल फिल्म में एक्टिंग करने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए फीस मिली है। वहीं बॉलीवुड के एक और अभिनेता रितेश देशमुख को टोटल धमाल में एक्टिंग करने के लिए 4 करोड़ रुपए फीस दी जा रही है। धमाल सीरीज की पिछली दोनों फिल्मों में शानदार अभिनय करने वाले अभिनेता जावेद जाफरी को टोटल धमाल फिल्म में एक्टिंग करने के लिए करीब 3 करोड़ रुपए फीस मिल रही है। वहीं बॉलीवुड के महान हास्य अभिनेता जॉनी लिवर टोटल धमाल फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते नजर आएंगे। उन्हें इस फिल्म में काम करने के लिए 2 करोड़ रुपए मिले हैं। और बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता अजय देवगन को टोटल धमाल में काम करने के लिए बाकी मुख्य कलाकारों के मुकाबले सबसे अधिक फीस मिली है। उन्हें टोटल धमाल फिल्म में एक्टिंग करने के लिए करीब 30 करोड़ रुपए फीस मिल रही है। दोस्तों, क्या आप फिल्म टोटल धमाल देखने के लिए उत्साहित हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड से जुड़ी और दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड जंक्शन।